मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के लिए अंत्योदय मेलों का आयोजन कर लाभ पात्रों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से सीधे तौर पर लाभान्वित किया जा रहा है। इसके लिए अंत्योदय मेलों का दूसरा चरण आज जाखल में शुरू किया गया। इन मेलों में लाभार्थी परिवारों को विभिन्न विभागों की योजनाओं से योग्यता के आधार पर जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति सुधारी जाएगी। इस बारे में जानकारी देते हुए उपायुक्त प्रदीप कुमार ने मेले में लगी सभी 18 विभागों की योजनाओं को दर्शाती स्टॉल का अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से रूबरू होते हुए विभागीय स्तर पर प्रदत्त सेवाओं को तत्परता से सरल तरीके से योजना का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में गरीब परिवारों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू की गई है। हमने जो बेनिफिशरीज हैं उनको टेलीफोन करके उनके घरों पर मैसेज पहुंचाकर उनको यहां बुलाया है ताकि वो सरकार की स्कीम्स के बारे में बताएं और जितना उनको हो सके उनकी आजीविका की उनकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे इम्प्रूवमेंट हो, कैसे वो अपना डे टू डे घर के ऊपर या तो बसों का लोन लें या कढ़ाई बुनाई सिलाई कोई वो इस तरह के प्रोफेशन सीखें। और मैंने रेड क्रॉस सेक्रेटरी को बोला कि यहाँ पर भी सेंटर बनाएं ताकि जो इस तरह के बेनिफिशरीज हैं ऐसा काम करना चाहें तो उनको हम पूरा कोशिश करेंगे कि उनकी जो आजीविका का सफर है वो इम्प्रूवमेंट हो। जी सर, एक सबसे बड़ी समस्या जो ये मेला है 1,80,000 से कम की इनकम वाले लोगों के लिए आयोजित किया जाता है। बहुत सारे लोगों की ये समस्या आई है कि उन्हें ना तो सूचित हुआ है, ना कोई फ़ोन हुआ है, ना ही उनका कोई लिस्ट में नाम आया है। नहीं, नाम तो लिस्ट में जब परिवार पहचान पत्र बने हैं उसमें जो इनकम एंट्री होगी उसकी वेरिफिकेशन होगी जी। उस टाइम तो लोग जो बहुत से लोग ध्यान नहीं देते जी। तो यदि वो ध्यान देंगे अपने परिवार पहचान पत्र में कितनी इनकम उसमें कंसिडर की गई है तो उसको ठीक करवाएं, वेरिफिकेशन होकर ठीक भी हो जाएगा जी। तो उन्हीं को बुलाया जाएगा जिसमें परिवार पहचान पत्र के अंदर जो इनकम है जी। और जो छूट जाएंगे तो सरकार, ये तो फर्स्ट फेज है, पहले इन लोगों को ये बेनिफिट दिया जाएगा, इनकी हम इंप्रूवमेंट करेंगे और फिर बाद नेक्स्ट को कंसिडर करेंगे। तो कितने विभाग यहाँ पर सर इस समय आए हुए हैं और कितने विभागों की ओर से यहाँ पे योजना? गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो इस तरह की स्कीम है तो सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारी हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं और कोशिश है कि सभी को इसका लाभ मिले, हमारी कोशिश है। सर, जाखल से कुछ समस्याएं भी हैं उनके बारे में आपसे कुछ बताना चाहते हैं कि सर, जैसे कि जाखल रेलवे ओवर ब्रिज की जो लाइटें हैं काफ़ी लंबे समय से बंद हैं और पिछली बार भी आपको अवगत करवाया गया था, सर इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर कोई नहीं, डायरेक्शन दे देते हैं। एक जाखल का सर पार्क की व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है कि जाखल मंडी को वासियों को दूर दराज जाना पड़ता है घूमने के लिए, जिससे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसके बारे क्या कहना चाहोगे? नहीं, उसमें मनरेगा से करा देते हैं, मेरे भी कोई है वहाँ पे फतेहवाल में, इस तरह के ना मनरेगा से अभी ना मैंने बोलिए मनरेगा से काम शुरू कर। शहरी इलाके में मनरेगा सर हो जाएगा, पार्क का देख लेंगे जो भी काम होगा जी। सर, एक सिधानी गांव में अभी एक समस्या आई थी जिसमें काम भी रुकवाया गया था सड़क का, तो उनमें अनियमितताओं के बारे में बताया गया था, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? ले लेंगे, किस डिपार्टमेंट की है सड़क, है मार्केटिंग बोर्ड की है या मार्केटिंग बोर्ड की? सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, तलवाड़ा गांव की एक सड़क है, मुख्य सड़क है, वो काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़ी है, बनाई नहीं जा रही सर, उसके बारे में कुछ दिशा निर्देश? तो मैं ले लेता हूँ पूरी डिटेल जो जो इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, मैं टीम लेकर सभी अधिकारियों को डायरेक्शन देकर अभी शुरुआत कर देते हैं। ठीक है सर।